दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूनाइटेड नेशन को लेकर है, जिसके खिलाफ भारत भड़क चुका है, क्योंकि एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन ने दोहरा रवैया अपनाया है जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस की तरफ से दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसके तहत रूस ने भारत का धन्यवाद किया है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने अपना एक व्लॉग चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे लेटेस्ट व्लॉग को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों 2024 एक ऐसा साल होगा जिसमें दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी वोट करने वाली है, यानी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को मजबूत करने और कई देशों में सत्ता परिवर्तन को चुनने के लिए ये साल निर्णायक होने वाला है। और इलेक्शन भारत से लेकर अमेरिका तक में होंगे, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर की तरफ से बड़े बयान दिए गए। वॉल्कर टर्क जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के हाई कमिश्नर है, इन्होंने भारत के ऊपर बड़े बयान देते हुए कहा है कि हमारे देश में इलेक्शन के दौरान स्वतंत्रता हेट स्पीच और भेदभाव को लेकर वह चिंतित है, खास करके माइनॉरिटी ग्रुप को लेकर, यानी कि भारत में मौजूद मुस्लिम आबादी के बारे में इन्होंने ये बयान दिया। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत के इलेक्शन पर इस तरह के बयान देने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, क्योंकि भारतीय इलेक्शन दुनिया भर में एक मिसाल की तरह है। हमारे इलेक्शन पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करने के बाद यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अरिंदम बागची सर ने इन्हें जवाब दिया और खुलकर कहा कि भारत में होने वाले इलेक्शन दुनिया में एक उदाहरण की तरह है और हर लोकतांत्रिक देश हमारे इलेक्शन से सीखने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि कई देश तो भारत के चुनाव प्रक्रिया को कॉपी भी करते हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद समय पर इलेक्शन करते हैं और हमारे देश में हर इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र और सही तरह से होता है, जिसकी वजह से हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर द्वारा दिए गए इन बयानों को रिजेक्ट करते हैं। भारत ने ये तक कहा कि उनकी तरफ से आए बयान पूरी तरह से बेफजूल, निराधार और बेकार है, क्योंकि इनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। भारत के ऊपर इस तरह का प्रोपोगंडा हर इलेक्शन से पहले होता आया है और हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पर एक लॉबी है जो भारत के माइनॉरिटी और हमारे देश में डेमोक्रेसी को टारगेट करते हुए प्रोपोगंडा शुरू कर देती है। खास करके ये सब तब बढ़ता है जब देश में कोई प्रोटेस्ट या फिर इलेक्शन आने वाले हो, लेकिन अब भारत शांत नहीं बैठने वाला और हम ऐसे हर प्रोपोगंडा का जवाब जरूर देंगे। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब पहले की तरह नहीं रही, जब हमारे ऊपर आने वाले अधिकतर बयान को हम ऐसे ही जाने दिया करते थे। साथ ही बता दें कि वॉल्कर टर्क ने जम्मू कश्मीर में मौजूद हालात पर भी टिप्पणी की और भारत ने इसे भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। हालांकि भारत, रूस और ईरान पर तो उन्होंने कड़े बयान दिए, लेकिन जब बात अमेरिका की आई तो वॉल्कर टर्क ने अपने बोल नरम कर दिए, जो इनकी हिपोक्रेसी को साफ तौर पर दर्शाता है। इनके द्वारा दिए गए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये अपडेट रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव की तरफ से आए कुछ बड़े स्टेटमेंट को लेकर है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर जब यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहे थे, तब उनसे सवाल किया गया कि आखिर भारत रूस से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहा है। तब डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे पश्चिमी देशों को साफ तौर पर कहा कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत का डिसीजन है हम किससे क्रूड ऑयल खरीदेंगे। ऐसा कहकर भारत ने ये दिखाया है कि नेशनल डिग्निटी क्या होती है। सर्जेई लेवरोव की तरफ से हमारे विदेश मंत्री की इतनी तारीफ और बड़े बयान देने के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर पड़ गई है, क्योंकि रायसीना डायलॉग के समय हमारे विदेश मंत्री ने खुलकर समझाया था कि आखिर क्यों भारत का रूस से क्रूड ऑयल खरीदना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए भी जरूरी है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देता है और रूस पूरी तरह अकेला पड़ जाए, तो रूस के पास चीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और अमेरिका पहले भी ये बात कह चुका है कि रूस और चीन साथ मिलकर तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि हम रूस के साथ इंगेज करें और रूस को अलग अलग ऑप्शन दे, ताकि रूस चीन पर निर्भर ना रहे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विदेश मंत्री ने इतने खुले और साफ शब्दों में एक बड़े प्लेटफॉर्म के दौरान ये समीकरण समझाए, जो कि सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर ही कर सकते हैं और इसके लिए पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। इसके अलावा रूस और भारत के बीच इस साल एक बड़ा इवेंट हो सकता है, ब्रिक्स समिट के दौरान इस बार
ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा अल्टरनेटिव बनेगा, क्योंकि भारत और रूस अभी भी एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार नहीं कर पा रहे। और अगर एक ब्रिक्स करेंसी बनती है तो ये दोनों देशों के व्यापार को सुरक्षित करने वाला अब तक का सबसे मजबूत कदम बनेगा। इसी वजह से रूस और भारत अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस साल भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।